हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन तक में। तो मैट्रिक छात्रों के लिए फिर बहुत ही बड़ा फैसला आया है, अचानक फैसला लिया गया। फिर सभी छात्रों का इंतज़ार खत्म होने वाला है क्योंकि फिर मैट्रिक रिजल्ट जल्द ही घोषित होने वाला है। डेट को बताया गया बिहार बोर्ड की तरफ से, तो आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला। अगर आप मैट्रिक के छात्र हैं और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल के बेल घंटी जरूर से दबा लीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए आज की खबर पर चलते हैं और आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि मैट्रिक के जो छात्र हैं वो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पर रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। तो फिर आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है कि फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी को, यहाँ पर जो इंतज़ार था वो इंतज़ार जल्द ही खत्म होने वाला है। यहाँ पर हेडिंग में आप देख लो, 30 अप्रैल के बाद मैट्रिक का रिजल्ट आने की आस, यानी कि 30 के बाद आपका मैट्रिक का रिजल्ट यहाँ पर आने का आस बताया जा रहा है। यहाँ पर बिहार बोर्ड की तरफ से देख सकते हैं पूरी खबर आप पूरा। यहाँ पर इंटर का रिजल्ट प्रकाशन के बाद 30 अप्रैल के बाद जिले का मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। यानी कि फ्रेंड, आपका यहाँ पर इंटर का रिजल्ट प्रकाशन के बाद 30 अप्रैल के बाद आपका मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना यहाँ पर बताया जा रहा है। रिजल्ट प्रकाशन होने की संभावना के बीच जिले के छात्र छात्राओं में खुशी देखी जा रही है। फिलहाल लॉकडाउन को लेकर जिले के शिक्षण संस्थान बंद है, ऐसे में मैट्रिक की परीक्षा देख कर परीक्षार्थी पिछले 2 माह से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस साल जिले में 34,000 से अधिक परीक्षार्थी ने मैट्रिक की परीक्षा दी है। इंटर का रिजल्ट जिले में काफ़ी अच्छा रहा है। जिले के 84% बच्चे इंटर की परीक्षा में सफल रहे हैं और मैट्रिक की परीक्षा में बच्चों की सफलता का ग्राफ क्या रहेगा, यह तो रिजल्ट आने के बाद ही आपको पता चल पाएगा। ऐसे जारी लॉकडाउन की मियाद आज पूरी होने वाली, इस बीच इसे 30 अप्रैल तक बढ़ाने की सरकार तैयारी भी कर रही है। और उसके बाद फिर 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने के बाद जिले के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस बीच छात्र छात्राओं का मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने के बाद इंटर कक्षा में नामांकन की चिंता होगा। अभिभावक अभी से ही मैट्रिक का रिजल्ट को लेकर काफ़ी उत्साहित है और रिजल्ट आने के बाद वे अपने बच्चों को अगली कक्षा में नामांकन कराने के लिए तैयारी करेंगे। इस बीच अगर 30 अप्रैल के बाद लॉकडाउन हट जाता है तब शिक्षण संस्थानों के खुलने के आसार बढ़ जाएंगे और आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा 30 के बाद। और उसके बाद फिर आप में जो भी इंटर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर डेट आ जाएगा कि आपका कब से एडमिशन होगा। ऐसे बहुत सारे जो पटना यूनिवर्सिटी में उसमें आ गया है और जो आरा वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी उनमें भी डेट आ गया है कि आपका कब से एडमिशन होगा। तो आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें मैंने बताया है कि आपका कब से एडमिशन होगा वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी और पाटली पुत्रा यूनिवर्सिटी एंड पटना यूनिवर्सिटी में। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अवधि में शिक्षण संस्थानों में बच्चों से नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। जून से कक्षाओं संचालन संभव हो पाएगा जिससे बच्चों को शैक्षणिक सत्र नहीं छूटेगा और उनकी पढ़ाई नियमित हो सकेगी। तो फिर यह है बिहार बोर्ड की तरफ से जो बड़ी अपडेट है, आपको 30 अप्रैल के बाद मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना यहाँ पर बना हुआ है। तो फिर यह है बिहार बोर्ड की तरफ से लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर से कीजिएगा। और फिर इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बिहार बोर्ड से इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल के बेल घंटी जरूर से दबा लीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए धन्यवाद।